इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर. अक्सर वन जैसे लोगों को बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज उसमें बहुत सरप्राइज एलिमेंट्स थे. तो इस मूवी में भी वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो आई एम प्लेइंग रिकी, जरीन खान इज प्लेइंग शीना, एंड देन दिस पैट्रिक प्लेड बाय गौतम रोडे, एंड मोहित इज प्लेइंग बच्चन. सो दैट इज इट. देखिए, ऐसा कुछ शेड्स नहीं है, बट ऐसा है कि रिकी इज़ इन लव विद शीना. दोनों आपस में एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल वो रिलेशनशिप थोड़ा अपसाइड डाउन हो जाता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. तो उसमें एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, तो वो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आती है रिकी के सामने. उसको एक डिसीजन लेना होता है, या ये. तो बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है रिकी, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, सो इम्पल्सिवली ही टेक्स अ डिसीजन, नो. सो वहाँ से स्टोरी चेंज हो जाती है, वहाँ से मतलब दैट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. सो अब मैं वो बता नहीं सकता हूँ क्या है, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है. लेकिन हाँ, वो जो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है वो देखने ज़रूर चाहिए, वो हम सबकी लाइफ में आती है. जैसे अभी हमने पहले कहा कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स हर हमारे हर कैरेक्टर में आ रहे हैं. ये अनवांटिंगली हम लोग या बोलते हैं कि चलो एक लालच था पैसे के चक्कर में, वी ऑल गॉट इन्वॉल्व इन दिस नॉट रियलाइजिंग कि आगे क्या होने वाला है. तो एक जाल है, हम सब फंसे हुए हैं. आई गेस वी प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ अ ग्रे शेड कैरेक्टर. एवरीबडी इज इन इट फॉर देयर ओन सेल्फ, एंड देर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म. बहुत जगह पे आपको लगेगा नहीं अब ये होने वाला है, लेकिन होता कुछ और है. तो यही एक अपना है फिल्म के बारे में कि स्टोरी आपको होल्ड करके रखेगी, ऑडियंस चाहेगी कि वो और जानना चाहे आगे क्या हो रहा है. टू बी ऑनेस्ट, कुछ खास तैयारी नहीं की. एक बड़ा सिंपल सा ब्रीफ था कि रिकी इज़ अ रिच पारसी बॉय हु इज़ इन रिलेशनशिप विद अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सो हम वैसे ही बड़ी अंग्रेज़ी हिंदी वाली, अंग्रेज़ी वाली हिंदी बोलते हैं. तो ठीक है, मैंने कहा वो तो हम वैसे ही बोलते हैं, तो थोड़ा उसको रिफाइन कर लेंगे. एंड सेकेंडली, ही वॉज अ रेगुलर गाय, ही वॉजंट लाइक अ बॉडी बिल्डर और वो. सो मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया, स्टार्ट ट्राई टू लुक एज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल नेक्स्ट डोर गाय. तो कुछ मतलब उस टाइप से बॉडीली प्रिपरेशन नहीं थी कि वेट गेन करना है या लूज करना है, कुछ नहीं था वैसा. बस जो लुक है दैट हैज़ टू बी द वे दे वॉन्टेड इट. एंड ऑब्वियसली थॉरो ब्रेड है, ही इज़ इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी, सो वो थोड़ी बीच में रिचनेस दिखनी चाहिए. वो आप कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें आ गई. बाकी आई एम वेयरिंग अ ज़ोरास्ट्रियन गॉड का नेकलेस एंड एक ब्रेसलेट, सो दैट्स इट. कुछ ऐसा मतलब स्पेशल